दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हॉलीवुड की टॉप 7 मोस्ट यूनिक मूवीज जो कि हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल होगी और इन मूवी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल हटकर होगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना और अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। और ये सभी की सभी मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में यूट्यूब पर और एमएक्स प्लेयर पर देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। नंबर सेवन पर आती है मेज रनर द डेथ कोर्स। इस मूवी को रिलीज किया गया था सन 2018 में, जिसका जेनर है साइंस फिक्शन एंड एक्शन। 2 घंटे 23 मिनट की मूवी है जिसको IMDb ने 10 में से 6.2 की रेटिंग दी है। 17 जनवरी 2018 को इस मूवी को रिलीज किया गया था और इसकी कास्टिंग में आपको डेलान और ब्रायन और थॉमस ब्रोड देखने को मिल जाएंगे। इसकी स्टोरी में आपको देखने को मिलेगी एलियन और साथ ही ज़ॉम्बी भी। तो आप इस मूवी को मिस मत करना, एक अच्छी और यूनिक स्टोरी इस मूवी की, आप इस मूवी को जरूर देख। नंबर सिक्स पर आती है दी सेलोस। इस मूवी को रिलीज किया गया सन 2016 में, जिसका जेनर है थ्रिलर एंड हॉरर। 1 घंटे 27 मिनट की मूवी है जिसको IMDb ने 10 में से 6.3 की रेटिंग दी है। कहानी शुरू होती है एक ऐसी लड़की से जो कि एक लेक पर सफरिंग के लिए जाती है और वह गलती से एक शार्क और शिकारी के बीच आ जाती है, तभी से इस कहानी का सस्पेंस शुरू होता है। तो आप इस मूवी को जरूर देखिएगा जो कि हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। 21 जून 2016 को इस मूवी को रिलीज किया गया था और इसकी कास्टिंग में आपको बैक लेवली और ओस्कर जेंडा और स्टोंगा लेगी देखने को मिल जाएंगी। आप इस मूवी को जरूर देखना जो कि हिंदी लैंग्वेज में है। नंबर फाइव पर आती है वलेरियन एंड दी सिटी ऑफ 1000 प्लैनेट्स। इस मूवी को रिलीज किया गया था सन 2017 में, जिसका जेनर है साइंस फिक्शन एंड एडवेंचर। 2 घंटे 17 मिनट की मूवी है जिसको IMDb ने 10 में से 6.5 की रेटिंग दी है। 84% के लाइक इस मूवी को गूगल जस्ट द्वारा दे गए। 17 जुलाई 2017 को इस मूवी को रिलीज किया गया था और इसकी कास्टिंग में आपको कारा और रिहाना देखने को मिलेगी। एकदम मस्त और यूनिक स्टोरी इस मूवी की, आपको इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना चाहिए क्योंकि इसमें आपको स्पेस टाइम और बहुत से यूनिक क्रिएचर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। तो आप इस मूवी को जरूर देखना। नंबर फोर पर आती है लाइफ। इस मूवी को रिलीज किया गया था सन 2017 में, जिसका जेनर है साइंस फिक्शन एंड हॉरर। 1 घंटे 50 मिनट की मूवी है जिसको IMDb ने 10 में से 6.6 की रेटिंग दी है और इस मूवी को रिलीज किया गया था 22 मार्च 2017 को। इसकी कास्टिंग में आपको रैन रेनोल्ड्स और जैक गेलहाल देखने को मिलेंगे। आप इस मूवी को जरूर देखना जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज में मिल जाएंगी। वो कहानी होती है एक ऐसे एलियंस की जो कि मंगल ग्रह से लाया जाता है और वहाँ पर वह सभी जीवों को मारने लगता है और वह पृथ्वी पर आने पर कामयाब होता है या नहीं, ये जानने के लिए देखनी पड़ेगी यह मूवी। आपको यह मूवी डराएगी भी, तो आप इस मूवी को जरूर देखना हिंदी लैंग्वेज में यह मूवी। नंबर थ्री पर आती है हस। इस मूवी को रिलीज किया गया था सन 2016 को, जिसका जेनर है हॉरर एंड थ्रिलर। 1 घंटे 27 मिनट की मूवी जिसको IMDb ने 10 में से 6.6 की रेटिंग दी है। 87% के लाइक इस मूवी को गूगल जस्ट द्वारा दे गए हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसी लड़की से जो कि ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है, तभी उसे मारने के लिए वहाँ पर आ जाता है एक आदमी और आगे की स्टोरी आप इस मूवी में जानिएगा और जिसकी कास्टिंग में आपको केट सिंगर और जोहन गैलिटर देखने को मिलेंगे। आप इस मूवी को मिस मत करना जो कि आपको जरूर देखनी चाहिए, हिंदी लैंग्वेज में मूवी है। नंबर टू पर आती है जंगल। इस मूवी को रिलीज किया गया था सन 2017 में, जिसका जेनर है एडवेंचर एंड थ्रिलर एंड हॉरर। 1 घंटे 55 मिनट की मूवी है जिसको IMDb ने 10 में से 6.7 की रेटिंग दी है। 87% के लाइक इस मूवी को गूगल जस्ट द्वारा दे गए। 28 सितंबर 2017 को इस मूवी को रिलीज किया गया था और इसकी कास्टिंग में आपको डेनियल रेडक्लिफ, यास्मीन कासिम और थॉमस देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छी मूवी है जो कि अभी हिंदी लैंग्वेज में आ चुकी है, आप इस मूवी को जरूर देखना। नंबर वन पर आते हैं डोंट ब्रीथ। इस मूवी को रिलीज किया गया था सन 2016 में, जिसका जेनर है हॉरर एंड थ्रिलर। 1 घंटे 28 मिनट की मूवी है जिसको IMDb ने 10 में से 7.1 की रेटिंग दी है। 25 अगस्त 2016 को इस मूवी को रिलीज किया गया था। कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जहाँ पर एक बूढ़ा रहता है और वह बूढ़ा ना देख सकता है, तभी वहाँ पर कुछ लोग चोरी के लिए आते हैं और वह बूढ़ा उन सब की बैंड बजा देता है। यह मूवी देखने के बाद आपको बूढ़े पर से विश्वास बिल्कुल हटने वाला है, तो आप इस मूवी को जरूर देखना। और इसकी कास्टिंग में आपको स्टेफन लैंग यह भी देखने को मिलेगी, आप इस मूवी को भूलकर भी मिस मत करना। यह एक मस्त हॉरर मूवी है जो कि बिना भूत की है। क्या सच में तुम्हारा नाम यस है? ये तुम्हारा पूरा नाम है या शॉर्ट फॉर्म है? पूरा नाम है यस, हाँ हो, और दादा का नाम आहो। अच्छा है, पर तुम पे और कोई नाम भी जचता है जैसे नीलू, नीलिमा या नीलगिरी?